राजस्थान पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल के समर्थन में जालौन राजपूताना क्लब सड़क पर उतर आया है। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो फर्जी एनकाउंटर, बंद करो, बंद करो, बंद करो फर्जी एनकाउंटर, बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्लब के सदस्यों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि जून माह में चूरू के पास राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी। इस मुठभेड़ को कई संगठनों ने फर्जी बताते हुए राजस्थान पुलिस के साथ भाजपा सरकार पर निशाना लगाया था। इसी क्रम में जालौन के राजपूताना क्लब ने भी आनंद पाल के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ वहां की पुलिस को आड़े हाथों लिया। राजपूताना क्लब के सदस्यों ने राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के विभिन्न चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने जिला अधिकारी नरेंद्र शंकर पांडे के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कुछ दिन पहले राजस्थान में चुरू के पास एक एनकाउंटर हुआ था स्वर्गीय आनंद पाल सिंह जी का। उस पूर्णता वो एनकाउंटर फर्जी है और ऐसा कोई एनकाउंटर था ही नहीं जो दर्शाया गया है। तो समस्त जो भी संगठन है, मैं राजपूताना क्लब का संस्थापक होने के नाते हम सब लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम लोग चाहते हैं अगर पूरे से मामला सही है, अगर आप राजस्थान सरकार करी मामला सही है तो आप उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते। हम लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराकर जिसमें जो राजनेता जो अधिकारी लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो विगत 7 दिनों बाद एक और आंदोलन होगा जो कि सरकार के खिलाफ होगा। ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि सीबीआई जांच कराई जाए इस पूरे से मामले की और उनके परिवारजनों पर जो मुकदमा लिखे हुए हैं को पहुंचाने के लिए। ये आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को ही हमने दिया है कि और ये किया है कि हम लोग ने जो पूरा सा जो ज्ञापन दिया है वो सीधा राष्ट्रपति महोदय को दिया है और हम चाहते हैं कि पूरे से उसकी कार्रवाई हो और उनके परिवारजनों पर जो मुकदमे लिखे हैं वो हटाए जाएँ और उनकी ज़मीन जो राजस्थान सरकार ने जब्त कर ली है वो ज़मीन भी वापस करी जाए।